उत्तर प्रदेश के हाथरेस में गैंगरेट पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज यानी उनतीस सितंबर को मौत हो गई। चंदपा थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेक की घटना हुई थी गैंगरेक के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था इस घटना के बाद विपक्ष से लेकर सेलिब्रिटी तक सब गुस्से में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवार से मिली जानकारी के अनुसार युवती का सब आज शाम तक गांव लाया जाएगा उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा गौरतलब है कि थाना चंदपा क्षेत्र के गांव में 19 साल के एक दलित युवती के साथ यह घिनौनी वारदात 14 सितंबर को घटी थी जब युवती पशुओं का चारा लेने के लिए अपनी मां के साथ खेत में गई थी आरोप है कि गांव के चार दरिंदों ने उसे खेत में खींचकर गैंगरेप का शिकार बना डाला और हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद में उसे अलीगढ़ के जे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया हालत बिगड़ता देख उसे शब्द रेफर कर दिया गया जहां उसकी आज मौत हो गई वारदात से आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था पुलिस ने एक एक करके वारदात के सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इलाके के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया इस बीच पीड़िता के भाई ने कहा कि दरिंदों को फांसी दिलानी है जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमें खतरा रहेगा बसपा सुप्रीमो मायावती इस वारदात पर अपने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर निशाना बना चुकी हैं। योगी सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है इस घटना ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हिलाकर रख दिया है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और स्वरा भास्कर और रिशा चड्डा ने घटना की कड़ी निंदा की अगर आप ये वीडियो यूट्यूब आरोप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूले अगर आप फेसबुक आरोप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें